तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो आप लोग कल वाले पेमेंट स्लिप देखे होंगे, जिसमें कि अमेजन BR7 का था, जो कि अगर आप लोग बेंगलोर आते हैं तो बेंगलोर या गुड़गांव में जाते हैं तो या हैदराबाद भी आते हैं, तो ये सब जगह जो है अलग अलग अमेजोन कंपनी, मतलब अलग भाई अमेजोन एक ही है लेकिन अलग अलग वेयर हाउस है। मतलब 4 से 5 जो आप लोग बेंगलोर में भी वेयर हाउस मिल जाएगा, गुड़गांव में मिल जाएगा, हैदराबाद में मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है अमेजोन यहाँ पे जो है लगभग में जो है बेंगलोर अगर आते हैं तो कम 7 से 8 वेयर हाउस बेंगलोर में मिल जाएगा। जैसे BLR आप लोगों को मतलब 7 का पेमेंट स्लिप कल मैं दिखाया, मैं भी जॉब कर रहा हूँ, BLR 7, BLR 8 है, BLR 4 है, BLR 5 है, इसी तरह से आगे है। तो भाई BLR 7 से ज्यादा पेमेंट जो है BLR 8 और BLR 4 में मिलता है। तो वो मतलब प्रूफ आप लोगों को अभी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। इस वीडियो में जो है पूरा आप लोगों को BLR 8 का मैं चर्चा करने वाला हूँ, उसमें कितना सैलरी मिलता है और सैलरी के क्या भाई सैलरी स्लिप भी दिखाने वाला हूँ। मतलब पूरा पेमेंट स्लिप का कुछ भाई कॉमेंट किए थे कि BLR 8 का पेमेंट स्लिप दिखाइए। BLR 8, BLR 4, हालांकि दोनों एक साथ है कंपनी और एक जगह है और उसका पेमेंट जो है एक एक आता है, बस वर्किंग अलग है। भाई BLR 8 में जाते हैं तो आप पिकिंग पैकिंग स्टॉकिंग होगा, वहीं जो है BLR 4 में सिलेक्शन होता है तो वहाँ पे अपना बैगिंग डॉक का और जितना डॉक का वर्क होता है टोटल वर्क लोडिंग रिलेटेड टोटल वर्क BLR 4 में होता है। तो चलिए आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस भाई BLR 4 या BLR 8 का पेमेंट स्लिप आप लोगों को मिलेगा कि देखिए कितना पेमेंट BLR 7 से ज़्यादा आता है। तो चलिए आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। सो गाइज, देखिए मैं पूरा अभी BLR 8 का सैलरी स्लिप मतलब चर्चा करने वाला हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा और ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और आप लोग जो है पूरा समझने की कोशिश करिएगा कि अमेजोन में कितना सैलरी तक आप हाईएस्ट रिसीव कर सकते हैं। भाई इससे भी ज़्यादा हाईएस्ट हो सकता है, ये नहीं कर रहा हूँ इतना सबसे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा 1000-2000 सैलरी इंक्रीज और हो सकता है। तो वो कैसे मैं आप लोगों को पूरा चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले ये जो है कॉन्ट्रैक्टर देखिए QCS क्रॉप लिमिटेड के थ्रू जो है ये सैलरी स्लिप प्रोवाइड हुआ है। और भाई जो है ये जो इस भाई का पेमेंट स्लिप है वो QCS क्रॉप कॉन्ट्रैक्टर के एजेंसी में लगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे आप लोग जब अमेजोन ज्वाइन करिएगा तो ये अमेजोन साइट पे वीडियो ये मतलब सैलरी स्लिप मिलेगा और QCS का अलग साइट है वहाँ पे अलग सैलरी स्लिप यही रहेगा, सेम रहेगा, हालांकि जो है ना इसका जो है मतलब प्रिंट अलग रहेगा। और देखिए एम्प्लॉय कोड दिख रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप लोगों को मिल जाएगा। तो भाई कुछ प्रिवेसी होता है जो कि मैं हाइड कर दिया हूँ। ये सैलरी स्लिप आप लोग देख सकते हैं मतलब द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 का, मतलब पिछले मंथ का सैलरी स्लिप जो इस मंथ मिला है वो सैलरी स्लिप आप लोगों को दिख रहा है। भाई वो जो सैलरी स्लिप जो है अप्रैल में ही मिल जाता है 30 तारीख को। डिप्यूटेड एड दिख रहा है भाई BLR 8। तो भाई इससे पहले BLR 7 का मैं चर्चा किया था, ये देखिए BLR 8 का है, BLR 8 बेंगलोर आप लोगों को दिख रहा है। PF नंबर भाई का शो नहीं कर रहा है, ऐसे नंबर भी नहीं शो कर रहा। प्रेजेंट डे 30 दिख रहा है भाई, 22 ड्यूटी होता है 30 लेकिन दिख रहा है। बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, FC कोरियर अर्निंग, यहाँ पे अर्निंग भी मैं चलूँगा पहले इधर जो आप लोग, और जो है एम्प्लॉय डिटेल देख लीजिए। एम्प्लॉय नेम दिख रहा है भाई यहाँ पे लेकिन मैं हाइड कर दिया हूँ, डिजिनेशन वेयर हाउस एसोसिएट। तो आप लोग भी अगर ज्वाइन कर देते हैं हेल्पर में तो वेयर हाउस एसोसिएट ही आएगा। जनरल मेल और UN नंबर फिक्स डे 30 होता नहीं है भाई, आप लोग भी ज्वाइन करिएगा तो 22 ड्यूटी होगा लेकिन पूरा फुल देगा देगा सैलरी। तो बैंक अकाउंट ये दिख रहा है, लोकेशन बेंगलोर, और OT आवर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया है, और इस साइड है सैलरी जो कट हुआ है वो इस साइड है अर्निंग। तो अर्निंग आप लोगों को दिख रहा है भाई, बेसिक सैलरी जो है 15,000 टोटल, जो बेसिक सैलरी 15,000 है। और आप लोग यहाँ अगर BLR 5 या BLR 7 जाते हैं तो यहाँ 15,080 मतलब बेसिक सैलरी है। और HRA भाई 659 रुपया दिख रहा है, जो कि ये भाई जो है 3 मंथ पहले ज्वाइन किया था। और HR मतलब जो है वहाँ पे BLR 8 में बेसिक सैलरी यही 15,659 रुपया हो जाता है। और नाइट शिफ्ट अलाउंस भाई 920, तो नाइट शिफ्ट भाई को थोड़ा कम मिला है क्योंकि ये जो है लगभग मैं 7 से 8 डे किया इसलिए 920 रुपया मिला। ओवर टाइम ये दिख रहा है भाई, ओवर टाइम देखिए 4833 लगभग में ये अमेजोन में 3 OT किया। वैसे 1 मंथ में 2 OT में लगभग मिलता है पिकिंग करते हैं तो, लेकिन जब ज़्यादा मैन पावर का ज़रूरत रहता है 3 का 4 भी लड़के लोग OT करता है तो 4 वाला कहिएगा, वो भी मैं सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखा सकता हूँ BLR 7 का। तो ओवर टाइम देख सकते हैं 4833 एक दिन का भाई 1500 लगभग मिलता है। BLR ये जो है BLR 8 में अगर जाते हैं तो ये देखिए 1600 के मिलानी लगभग में 1600 के मिलानी मिला है। तो ओवर टाइम मतलब एक दिन का 1600 यानी टोटल 4833 रुपया ओवर टाइम मिला है।
ट्रेवल, ये भाई ये जो है ओवर टाइम जो है, आप लोग जो है ये नहीं सोच के आइएगा हमको मुझे ओवर टाइम मिलेगा। मैं 1 ईयर पूरा अमेजन में किया, लगभग में ओनली 1 OT मिला भाई, मतलब पूरा ईयर में 1 OT, 1 मंथ में नहीं, पूरा ईयर में 1 OT मुझे मिला है। और जो पिकिंग पैकिंग करते हैं वो भाई का, या BR8 में जाते हैं देख सकते हैं, 1 मंथ में 3 OT भाई कर लिए हैं, और मैं 1 ईयर में 1 OT मुझे मिला है। मुझे ओटी कभी मिला ही नहीं है। HR के पास जाता हूँ तो डायरेक्ट बोलता है FC डॉक में ओटी नहीं है। और ट्रेवल अलाउंस 1430 टका 30 रुपया, तो 1430 से आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जो है, अब इसमें 65 से भाई आप लोग कैलकुलेशन करते हैं, भाग देते हैं, तो जो सेल जो ड्यूटी बनेगा वो ड्यूटी आप जब कैलकुलेशन करिएगा, मतलब ये 1430 में जो 65 से कैलकुलेशन करिएगा तो भाई 22 निकलेगा, और ये जो है आप लोग 22 ड्यूटी का इतना सैलरी बना है। तो आप लोग चलिए, और मैं दिखा रहा हूँ अटेंडेंस बोनस 700 रुपया, एडिशनल अटेंडेंस 2550, वहीं BLR अगर 7 में जाते हैं तो 2300 रुपया अटेंडेंस है, मतलब 200 रुपया एक्स्ट्रा जो है एडिशनल अटेंडेंस बोनस भी BLR 8 में देता है। ये देखिए टोटल सैलरी भाई का बना है 26,095 रुपया, इसमें और इंक्रीज होता अगर नाइट जो है भाई 1 वीक या 2 वीक ज़्यादा करते तो लगभग 1000 2000 प्लस जो है इसमें जो है इंक्रीज भाई का हो सकता था, और 1 OT और मिल जाता तो और कुछ इंक्रीज हो जाता। लेकिन फिर भी अमेजोन के लिए ये सबसे हाईएस्ट चल रही है, सबसे अच्छा चल रही है। PF आप लोगों को देख सकता है 1800 रुपया कट हुआ है, और ये इसमें PF जो है 200 और ESI जो है 185 रुपया, टोटल भाई का सैलरी से कट हुआ है मतलब 2185 रुपया, और भाई को जो है नेट पे सैलरी रिसीव जो हुआ है अकाउंट में 23,960, ये 24,000 सैलरी भाई को रिसीव हुआ है। और मैं मतलब 22 ड्यूटी का भाई 24,000 सैलरी जो है ज़्यादा लगभग में जो है एक एसोसिएट के लिए या एक हेल्पर के लिए अच्छा सैलरी है, बहुत अच्छा सैलरी है। आप लोग अगर आते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है अमेजोन में, मतलब कम दिन के लिए हो ज़्यादा दिन के लिए, आप लोग अमेजोन में लगिए। पहला सैलरी और लास्ट सैलरी अमेजोन का तो ज़्यादा आता ही है। अगर आप लोग BLR 8 जाते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा लगभग 1000 सैलरी जो है BLR 7 से या BLR 5 से देखने को मिलेगा। भाई BLR 8 और BLR 4 दोनों सेम है, इसीलिए सैलरी दोनों का मतलब दोनों मतलब एक जगह है, दोनों का सेम सैलरी मिलता है। तो चलिए आप लोग जो है वीडियो में पूरा बने रहिए। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है आप लोग ये वीडियो पूरा देखे होंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि अमेजोन जो है अगर बेंगलोर आते हैं तो बेंगलोर में भाई BLR 5 हो या BLR 7 हो, इस सबसे ज़्यादा सैलरी मतलब कितना ज़्यादा आप लोगों को BLR 8 में पॉइंट आता है। तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा ये मतलब 1000 रुपया थोड़ा सा नहीं ज़्यादा हो जाता है, आप लोगों को कम से कम एक रूम रेंट निकल जाएगा या लगभग में 1 महीने का राशन निकल जाएगा। तो आप लोग अपना जो है मतलब, मैं तो फिलहाल BLR 7 में कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन बहुत ज़्यादा हो गया, मेरा 1 ईयर प्लस हो गया यहाँ पे, सब मौसम सब कुछ अच्छा लग गया, इसलिए मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है और मैं फिलहाल अभी BLR 7 में हूँ। और अगर आप लोग न्यू आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, तो BLR 8 ही विजिट करिए, वहाँ पर भाई बगल में आप लोगों को PG लेना पड़ेगा, रूम ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन वहाँ पर मैन हल्ली आप जाइएगा, मैन हल्ली वैसे सभी कॉन्ट्रेक्टर का ऑफिस भी है और वहाँ PG ईजी से मिल जाएगा भाई, मतलब 4500 रुपया आप लोगों को महीने का लेगा, उसमें 3 टाइम खाना भी मिलेगा और सब कुछ, बेड जो भी है आप लोगों को कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा 1 PG में। और बस अब वहाँ जो है लगभग में जो PG में पता किया, लगभग में कम से कम आप लोगों को 4000 मतलब 4000 प्लस ही आप लोगों को 1 PG में 1 मेंबर का लगेगा। तो फर्स्ट टाइम आप लोग PG में रह जाइएगा, उसके बाद अपना रूम ढूंढ के अपना सब कुछ कर लीजिएगा। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा, उसमें भाई वैकेंसी भी आया है तो वैकेंसी का अपडेट मैं कल करूँगा, तो आप लोग ये वीडियो जो है कल वाले वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें किसको अभी ज्वाइनिंग किसका ज्वाइनिंग ले रहा है वो BLR 8 में, मैं आप लोगों को BLR 7 नहीं चल रहा है लेकिन BLR 8 में कैसे चल रहा है, लेकिन किसका कैसे चल रहा है वो मैं कल वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए, आप लोग ये वीडियो मैं अंत करता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और वीडियो को लास्ट करता हूँ, तो आप लोग जो है इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। तो चलिए, मैं मिलते रहूँगा इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।